सन 47 में बदलने वाली थी तकदीर देश की, सन 47 में बदलने वाली थी तकदीर देश की, पर यह देश बदल गया, जहां देने वाले थे संदेश एकता के वहां सरहद बन गया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की। अंग्रेजों ने भूटान बना दिया, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान बना दिया, अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया, अंग्रेजों की ही देन है, बांग्लादेश बन गया। मिटाना था नफरत को, वो नफरत देकर हमें चले गए तो हमें उस नफरत को मिटाना था। मैं सलाम करता हूँ जिन्ना जी को, मैं सलाम करता हूँ गांधी जी को, और मैं उसी के साथ सलाम करता हूँ पंडित जी को। तीनों अगर चाहते तो इसका एक सॉल्यूशन होता, नहीं दे पाए। मिटाना था नफरत को, नफरत की चिंगारी जला गए, जाते जाते इस देश को दो भागों में बांट गए। यहाँ पर अंग्रेजों ने ऐसा कमाल किया कि उन्होंने इस देश को दो भागों में बांट दिया, क्या दो, क्या तीन, चार, पांच, कितना भी गिन लीजिए आप, नंबर कम नहीं पड़ेंगे। मिटाना था नफरत को, नफरत की चिंगारी जला गए, जाते जाते इस देश को दो भागों में बांट गए। हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी सीमाएं आज झेलती हैं उन सभी नफरत को। आज भी हमें उस चिंगारी में जलना पड़ता है, इसीलिए रोज सीज फायर उल्लंघन सहना पड़ता है। ये उसी समय की देन है जिसकी वजह से आज हम लोग इस स्टेज में हैं। रोज 10 से 15 बार अगर रुकता है 5 मिनट के लिए, फिर से गोली फायर होती है, तो रोज सीज फायर उल्लंघन सहना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते, मोदी जी बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, मनमोहन सिंह जी भी बहुत बार कोशिश करते हैं। तो कोशिश है करते कि गले लग जाए उनके, कोशिश है करते कि गले लग जाए उनके, हर कुर्बानी के साथ वो कोशिश भी नाकाम होती है। तो ऐसा हालत है हमारे देश का। और अभी धर्म के नाम पे बहुत सारा बवाल चल रहा है, तो धर्म के ऊपर भी थोड़ा सा बस इतना कहना चाहता हूँ कि देश क्या करता है हम लोगों से। समाज के लोगों, कान खोल कर सुन लो, मैं धर्म हूँ कोई जाति नहीं, मैं कर्म हूँ कोई मजहब नहीं, मैं सत्य हूँ जिसको तुम पहचानते नहीं, मैं सनातन हूँ जिसको तुम जानते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।